गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था कि कासाब्लांका की पोएम है जिसके बारे में बताए थे कि युद्ध के दौरान एक बालक कैसे अपने आदम साहस का परिचय देता है। आज उसी चैप्टर वन का आंसर क्वेश्चन है। पहला है ए वन में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट आंसर। ए क्रिएचर ऑफ हेरोइक ब्लड रेफर्स टू, इसका आंसर द एडमायरल ऑफ द सी। वन का ए है। जब बुक खरीदिएगा तो सब आपको मिल जाएगा। टू नंबर है, द फादर वाज अनकॉन्शियस ऑफ हिज सन बिकॉज He had died. तीसरा है, in the wrecked ship in a splendor when they refers to, so they wrecked the ship in a splendor when, किससे संबंधित है यानी इसका कहने का क्या भाव है। तो जो जहाज है वह क्या आगों से घिरा हुआ है, रेप्ट माने गिरना, तो यहाँ इसका आंसर होगा द फ्लैम दैट इंगल्फ द सी। और चौथा क्वेश्चन है, एंड शाउटेड बट वंस मोर अलाउड माय फादर मस्ट आई स्टे दिस वाइल द बॉय, यहाँ बच्चा बार बार अपने पिताजी को आवाज दे रहा है, माय फादर मस्ट I must say, this was the boy. तो अब उसके पिताजी का आदेश है कि भाई आप नाव के बगल में खड़े रहें और तब तक युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है। उसके पिताजी एडमायरल हैं और वह युद्ध का वह संचालन कर रहे हैं, उसी दौरान वह मारे जाते हैं क्योंकि बच्चा इससे अनभिज्ञ रहता है। इसलिए वह बार बार कहता है कि आप मुझे अनुमति दें। इसी का यह भावार्थ है, द फर्स्ट कॉल टू हिज फादर, द लास्ट कॉल टू हिज फादर। अंत में बार बार वह कहता है कि यह फोर का ये होगा द लास्ट कॉल टू हिज फादर। और कुछ ऐसे सेंटेंस है जिसको आपको पूरा करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। एज द बैटल रेज ऑन, जेम जेम युद्ध की गति बढ़ती गई यानी युद्ध आगे की तरफ बढ़ता गया, द फ्लैम बिगेन स्प्रेडिंग, तो क्या हुआ, लॉ यानी आग का ज्वाला चारों तरफ फैलने लगा, दे इंगल्फ द सी लाइक ए फ्लॉग, और वह क्या किया, ऐसे घेर लिया आग का लपट, ऐसे घेर आग के लपटों से ऐसे जहाज घिर गया जैसे मानो वहां कुहासा है, चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई देने लगा। तो यह पहला इसमें जोड़ना है, आई द बैटल रेज ऑन द फ्लेम बिगेन स्प्रेडिंग एंड दे इंगल्फ द शिप लाइक ए फॉग।